हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे लिनोवो Y19 जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, कुछ ही दिन के अंदर जो है लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटे को बटन दबा कर दीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो का अपडेट जो है सबसे पहले आप ही पहुंच जाए। तो कैसे चलिए वीडियो का शुरू करते हैं। तो ये वाला जो फोन देख रहे हो Lenovo Y19 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ये फरवरी के 28 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस ये जो फोन है ये एक गेमिंग फोन है गाइस, और इसकी प्राइस जो है मैं वीडियो के लास्ट पे प्राइस बता दूंगा। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो गाइस ये मोबाइल पे आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 8 जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, और ये मोबाइल आता है 12 GB रैम के साथ। गाइस काफी जबरदस्त रैम है इस मोबाइल पे। तो गाइस ये वाला फोन पे आने वाला है दो रियर कैमरा आने वाला है, एक आने वाला 60 मेगापिक्सल प्लस और 60 मेगापिक्सल, ये दो कैमरा आने वाला है इस वाले फोन के अंदर। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो गाइस फ्रंट कैमरा आने वाला है 44 मेगापिक्सल की कैमरा जो आने वाला है फ्रंट कैमरा, और 6.9 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आपको ये वाला मोबाइल पे देखने को मिलेगा। और गाइस इसकी स्टोरेज की बात करें तो 128 GB स्टोरेज रहेगा ये वाला फोन पे। और गाइस ये चलेगा एंड्रॉइड 12 BOS पे चलेगा, यानी ये मोबाइल जो एंड्रॉइड अभी नया निकल गया है 12 जो देखा था आप लोगों ने, एंड्रॉइड 12 नया निकल गया है, जो सॉफ्टवेयर ये वाला सॉफ्टवेयर इस मोबाइल पे चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वाला इस मोबाइल पे चलेगा। तो गाइस ये वाला मोबाइल की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको पहले बताया गया था Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन आने वाला है, और गाइस इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको 8 octa-core प्रोसेसर जो है ये आपको देखने को मिलेगा इस वाला फोन के अंदर। और गाइस CPU पे आपको मिलेगा ये फोन पे 3G Hz की जो स्पीड है ये आपको मिलेगा, जैसे आपको लैपटॉप पे रहता है ग्राफिक्स की तरह, यानी जो ग्राफिक्स है गेमिंग ग्राफिक्स लैपटॉप पे देखते हो जो ग्राफिक्स 2GB 3GB, ऐसे ये 3GB वाला ग्राफिक्स जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको। और गाइस ये फोन जो है 64 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा। गाइस ये वाला फोन की डिजाइन की बात करें तो इसका हाइट रहने वाला है 6.96 इंच, यानी और वाइड की बात करें तो 3.7 इंच देखने को मिलेगा ये वाला फोन पे। और गाइस ये वाला फोन की थिकनेस की बात करें तो 0.43 इंच की जो थिकनेस है आपको देखने को मिलेगा। गाइस ये वाला फोन की जो वेट है ये कितने ग्राम रहने वाला है बात करते हैं, 252 ग्राम्स की ये वाला फोन जो है इसकी वेट रहने वाला है। गाइस ये वाला फोन के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा स्किन अनलॉक जो आपके फेस लॉक से भी खुलेगा, और फिंगर प्रिंट भी आपको देखने को मिलेगा जो इन डिस्प्ले के अंदर ये मिलेगा देखने को। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं ये वाला फोन की जो डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलेगा रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा 1080x2460 की जो रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, और एक्सपेक्ट रेटेड जो है 20.9 आपको देखने को मिलेगा ये वाले फोन के अंदर। और डिस्प्ले टाइप जो है ये एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलने वाला है ये वाले फोन के अंदर, काफी जबरदस्त एमोलेड डिस्प्ले जो है, काफी जबरदस्त डिस्प्ले होता है गाइस। और इसके डिस्प्ले की साइज की पहले बता दिया था, 6.9 इंच डिस्प्ले साइज आपको देखने को मिलेगा ये वाला फोन पे। अभी बात कर लेते हैं इस कैमरा के बारे में जो रियर कैमरा है इस पे आपको पहले ही बताया था 64 मेगापिक्सल की जो कैमरा रहने वाला है, और जो एक आता है जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा ये रहने वाला है 1.8 अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा रहने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा जगह को कवर कर सकते हैं ये जो कैमरा है। ये फ्रंट कैमरा जो है गाइस ये आपको मिलेगा सिंगल फ्रंट कैमरा जो 44 मेगापिक्सल की कैमरा मिलेगा आपको सामने की साइड पे। और फ्लैश की बात करें तो ड्यूल LED रियर फ्लैश आपको देखने को मिलेगा ये वाला फोन पे। और गाइस अभी बात करते हैं कैमरा फ्यूचर पे आपको देखने को मिलेगा ऑटो फोकस जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ऑटो फ्लैश लाइटिंग की सिस्टम जो है ये आपको देखने को मिलेगा, और टच टू फोकस यानी टच करके जो है आप फोकस कर सकते हो कोई भी चीज के ऊपर, कोई कंटेंट है जैसे मैं इधर खड़ा हूँ मुझे फोकस करके पीछे की साइड में बेलर करना है तो ये वाला चीज जो है आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑटो फोकस कर सकते हो इसमें। ये वाला फोन की बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको देखने को मिलते हैं 5600 mAh की बैटरी के साथ पे आपको मिलते हैं 68 W फास्ट चार्जर देखने को मिलते हैं ये वाला फोन पे। अभी गाइस बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, कनेक्ट गाइस ये वाला फोन पे आपको देखने को मिलेगा ड्यूल सिम, दो सिम यानी कनेक्ट कर सकते हो एक ही साथ में। और गाइस ये वाला फोन पे जो है दोनों सिम एक साथ 5G नहीं चलेगा, यानी एक सिम 5G पे चलेगा एक सिम 4G पे चलेगा, ऐसे आप चला सकते हो, और बाकी वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ इस वाला फोन पे सपोर्टेड है। और गाइस ये वाला फोन की जो हेडफोन जैक या चार्जिंग केबल की बात करें तो ये वाला फोन पे आपको देखने को मिलेगा Type-C, जो टाइप सी वाला केबल है ये लगेगा, या हेडफोन जैक जो है ये भी Type-C है, दोनों की कनेक्शन एक ही जैसे आईफोन की तरह। और गाइस ये वाला फोन पे आपको जो फेस अनलॉक की लाइटर सेंसर जो डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस ये वाला फोन की प्राइस की बात करें तो गाइस ये वाला फोन आपको मिलने वाला है 54,999 रुपये, यानी लगभग पकड़ लो 55,000 की करीब है गाइस। ये वाला फोन कब तक लॉन्च हो जाएगा गाइस, ये 8 मार्च को लॉन्च हो जाएगा चाइना पे, तो इंडिया पे कब तक आता है इंतजार कर लीजिए। और आपको खरीदना है तो
ये मोबाइल आराम से खरीद सकते हो गेमिंग के लिए। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर कर देना ताकि ऐसे नए वीडियो का अपडेट जो है सबसे पहले आप ही को मिले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो।